एनटीए का इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है एग्जाम कंडक्ट कराने में, लास्ट मिनट पे बच्चों का सेंटर चेंज कर दे रहे हैं ये लोग। हम एग्जाम के दो दिन पहले एक बार विजिट कर लो, फिर बार बार विजिट कर लो, फिर एक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एनटीए एंड यूजीसी। सरकार ऐसा बोल रही है कि सारी यूनिवर्सिटी का एक साथ एक एग्जाम होगा, लेकिन आप सीयूईटी की वेबसाइट पे जाके देखिए, सबका क्राइटेरिया अलग अलग दे रखा है उन्होंने। तो कोचिंग की फीस आपने देखी कितनी कितनी होती है? आप मुखर्जी नगर जाके देखिए, करोल बाग देखिए, उसको माइग्रेट करके यहाँ एग्जाम देने आएगा और एक दिन पहले एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम हमारी है, मिसमैनेजमेंट हमारा है या यूजीसी का है? आप देखिए, दिल्ली में जो लोग हैं, सोशल एलीट जो लोग हैं, वो लोग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ ही जाएगा, जो लोग हम जैसा दूर से आता है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम है। बोलेगा कि हम आपको लीज दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो लोन कहाँ से रिकवर होगा? टीचर का सैलरी से होगा? नहीं होगा। तो आपका क्या आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन क्या है? लेकिन यही आप देखिए, दूसरा खर्चा जो मोदी जी अभी गए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बना, अभी वो वहाँ गए, वहाँ पर इतना भव्य सजाया गया था, उसका खर्चा जो है वही खर्चा हम बोलते हैं जब नारा लगाते हैं कि शिक्षा पे जो खर्चा हो बजट का दसवां हिस्सा हो। संघियों का ये कहना है, बीजेपी का ये कहना है, जो दसवां हिस्सा है वो हमारे एडवर्टाइजमेंट में होगा। दुनिया भर में डंका बज रहा है। कैसा डंका? कहाँ, मोदी जी के घर में बसता है क्या डंका? तो वही है जुमलाबाजी, जो अभी उन्होंने जुमलाबाज शब्द बैन कर दिया है वो, लेकिन जुमले मारते हैं, क्या है ये? इस वक्त हम पहुंचे हैं यूजीसी के बाहर, जो दिल्ली में स्थित है, जो तमाम यूनिवर्सिटियों का अनुदान आयोग है। यहां पर आप देख सकते हैं एसएफआई की तरफ से जो है एक प्रोटेस्ट कॉल दी गई थी। आप देख सकते हैं इनको यूजीसी का घेराव करना था, लेकिन यहां पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। मुद्दा क्या है वो समझेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए जिस तरीके से लगातार पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, चाहे वो शिक्षा में, हर जगह पर तानाशाही रवैया वाला जो है वो भी यहाँ भी देखने को मिला। हम लोगों से भी बात करेंगे कि क्या मसला है, और देख सकते हैं कि जो लगातार जो सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को लेकर इनका प्रोटेस्ट था, क्या समस्याएं आ रही है मैम? एनटीए का इतना मिसमैनेजमेंट हो रहा है एग्जाम कंडक्ट कराने में। सीयूईटी तो ये लोग ले आए, वो भी इतनी शॉर्ट नोटिस में, काफ़ी देर तक तो इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिए गए बच्चों को कि कैसे सेंटर पे पहुंचना है। लास्ट मिनट पे बच्चों का सेंटर चेंज कर दे रहे हैं ये लोग। कितने बच्चे हैं यहाँ पे हमारे पास, एसएफआई के पास चार बच्चों की खबरें आई हैं जिनका सेंटर लास्ट मिनट पे चेंज कर दिया गया, उनका एक साल वेस्ट हो गया। और यूजीसी ने साफ साफ बोल दिया है कि वो फिर से एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे, तो एक साल बच्चों का बर्बाद हो गया, उनके फ्यूचर के साथ खेला जा रहा है, उनका लास्ट मिनट पे सेंटर चेंज किया जा रहा है। और सेंटर को लेकर कोई समस्या है कि डिस्टेंस को लेकर उसकी वजह से भी छूटा जा रहा है? दोनों चीज़ों की समस्या है, सेंटर के डिस्टेंस की भी समस्या है, लोगों का लास्ट मिनट पे चेंज होता जा रहा है, उनको जहाँ वो रहते हैं उसके मतलब उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस से उनको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है, तो लास्ट मिनट पे उनका दो घंटे का अगर एग्ज़ाम है तो वो पहुँच ही रहे हैं 30 मिनट पहले, तो कैसे वो एग्ज़ाम लिखेंगे? कितने ऐसे छात्रों की तादाद होगी जिनका एग्जाम छूट गया है? हमारे पास दिल्ली में तो हमारे पास 4-5 बच्चों की खबरें आई हुई हैं, लेकिन कितने तो ऐसे हैं जो काफ़ी दूर दूर रहते होंगे जिनकी खबरें हमें मिली ही नहीं। दिल्ली जैसे सिटी में तो हमको पता भी चल जाता है कि इस तरह की खबरें आ जाती हैं लाइमलाइट में, लेकिन हमको तो पता ही नहीं है कि कितने बच्चों के छूट गए होंगे। तो हमारा ये भरोसा है कि ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जो सफ़र कर रहे हैं। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं इस साल, उनको पता नहीं है लास्ट मिनट तक कि उनके इंस्ट्रक्शंस कहाँ हैं, उनके सेंटर्स कहाँ हैं। क्या करेंगे मैम अब आगे? अब आगे यही है कि जब तक हमें जो यूजीसी के जो चेयरमैन हैं वो बाहर आए, वो हमसे बात करें, वो जवाब दें कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है, और ऐसा अगर हुआ है तो वो छात्रों से माफ़ी मांगे और अपनी गलती को जो है सही करें, रीटेस्ट हो बच्चों के और ढंग से जो है मैनेजमेंट हो। अभी तो फिलहाल यही जो हमारे डिमांड्स है। तो ये अभी यहाँ पर आपने यूजीसी का घेराव करने का प्रोटेस्ट किया था, लेकिन आपको जाने नहीं दिया गया अंदर जी, इसके बाद क्या करेंगे आप, क्या लगता है? इसके बाद अभी हमारे कुछ साथी अंदर गए हैं, वो मेमोरेंडम सबमिट करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमें अंदर से जो है जवाब जो है वो हमारे फेवर में मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अगली बार, कम तादाद में आज लोग आए हैं, अगली बार और तादाद में लोग आएंगे, ज़्यादा संख्या में लोग आएंगे, इससे बड़ा घेराव होगा, इससे बड़ा धरना होगा। सीयूईटी को लेकर क्या है, क्या इसको रोल बैक चाह रहे हैं? जी, हम सीयूईटी के खिलाफ भी बहुत वक्त से आंदोलन कर रहे हैं, और सीयूईटी जो है इसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी कहा जा रहा है, बट हमारे हिसाब से ये न्यू एक्सक्लूजन पॉलिसी है। ये
पिछड़े तबकों से आने वाले लोगों को एक्सक्लूड करती है, ये उन लोगों को एक्सक्लूड करती है जो कोचिंग सेंटर्स में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, उन लोगों को एक्सक्लूड करती है जो ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ तक कोचिंग सेंटर्स पहुँच नहीं पाते हैं, ये ऐसे लोगों को एक्सक्लूड करती है जो पढ़ना चाहते हैं बट पढ़ नहीं पा रहे हमारे देश के स्थिति की वजह से। तो लगातार जिस तरीके से सरकार बिना सोचे समझे फैसला ले लेती है, और चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, 30-point रोस्टर वाला मामला हो, लगातार सरकार ऐसे मामले उठाती आई है जिससे एजुकेशन पर हमला हो सके। मैम, क्या ये जो इस बार जो CUET का एग्ज़ाम हुआ उसमें छात्रों को लेकर क्या समस्या है? अभी जो हो रहा है एग्ज़ाम सेंटर्स अचानक से चेंज हुआ है, जैसे दूसरे साथियों ने बताया द्वारका के दो बच्चे को वो एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहे, और फिर एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए क्योंकि द्वारका में सेंटर था उनका, उधर जाने के बाद समझ में आया कि वो चेंज हो गया विश्वविद्यालय में, तो दे कुडंट रीच ऑन टाइम ऑब्वियसली, तो इसलिए वो लोग एग्जाम नहीं, ये जो हमें पता चला, हमें पता नहीं कितने और बच्चों नहीं दे पाए, बहुत सारे ऐसे लोग। ये तो छात्रों की जिम्मेदारी है, NTA हो या इस तरीके की जो भी संस्थान है जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है वो पहले इंस्ट्रक्शन दे देती है कि आप एग्ज़ाम सेंटर को एक बार विजिट कर लीजिए या टाइम से निकलिए, तो छात्रों की दिक्कत है इसमें। UGC या आप ऐसे सोचते हैं कि एग्ज़ाम के पहले दिन जाके सेंटर, जो हम स्टूडेंट्स हैं हमें अगर एक मेट्रो स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन जाने में 20-30 रुपये लगते हैं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, हम एग्ज़ाम के दो दिन पहले एक बार विजिट कर लो, फिर बार बार विजिट कर लो, फिर एक इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द NTA एंड UGC टू अलोकेट द प्रॉपर एग्जामिनेशन सेंटर फॉर ईच स्टूडेंट, दे कैन नॉट चेंज इट एट द लास्ट मोमेंट। अगर वो चेंज नहीं करते तो हम, अगर हम द्वारका गए तो उधर ही एग्ज़ाम दे सकते थे ना, ऐसा नहीं है कि हमें एडमिट कार्ड में द्वारका लिखा है, विश्वविद्यालय लिखा है और हम गलती से द्वारका गए, ऐसा तो नहीं हो गया, तो इसमें बच्चे की क्या गलती हो सकती है? तो देखिए, जिस तरीके से CUET में मिस मैनेजमेंट की खबरें आ रही है, कई जो है छात्र अपना एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं क्योंकि उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर दिया गया था, और भी लोग उनसे बात करेंगे। भैया आप लोग बताइए, आप अपनी गलती का जो है ठीक रहा UGC पर मर गए, हमारी गलती कैसे है? अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले पता चल रहा है कि हमारा सेंटर चेंज हो गया है, तो उसमें गलती हमारी है, NTA की है, इसमें हमारी गलती कैसे है? तो और जो जो एग्ज़ाम कराती है एजेंसी, हाँ, कंडक्ट कराती है, वो पहले गाइडलाइन दे देती है कि आप एक दिन पहले जाके विजिट कर लीजिए। क्या विजिट कर लीजिए? एडमिट कार्ड जो होता है उसमें एग्ज़ाम सेंटर रहता है, अब अगर वो उसमें रहेगा और कुछ और चेंज हो जाएगा, अगर उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय एग्ज़ाम सेंटर लिखा है तो कोई द्वारका क्यों जाएगा? और आप एक दिन पहले एडमिट कार्ड चेंज कर रहे हैं तो आपका ये क्या पॉलिसी है? बाकी जो एग्ज़ाम ये इस बार जो कंडक्ट करा रहे हैं MA के लिए, मास्टर्स के लिए, इनका अभी तक डेट नहीं आया है, तो ये भी स्टूडेंट का गलती है कि हमारे लिए लेट नहीं आ रहा है, डेट ये नहीं दे रहे हैं एग्ज़ाम सेंटर एक दिन पहले, ये चेंज कर रहे हैं, और गलती हम लोगों का बात भी नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है कितने छात्र इससे प्रभावित हुए हैं? अभी हम दिल्ली में देखे तो हमारे पास दो लोगों का जो आया था उन्होंने हमें डेलीगेशन दिया था कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, और बाकी जो दिल्ली के बाहर, दिल्ली इतना सा है, बाकी देश में जो लोगों के साथ मिसमैनेजमेंट हुआ है उसकी खबर नहीं आ पा रही है, ये कैपिटल में आपका हाईलाइट हो जाता है तो आपको पता चल जाता है, बाकी कितने सारे लोग हैं जिनकी बात ही नहीं पहुँची है, तो उनका क्या, उनका कोई कलेक्टिव डाटा नहीं है। UGC को खुद से सबमिट बताना चाहिए कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दे पाया है और क्या कारण रहे हैं लोगों के एग्ज़ाम ना देने के। कोई एक दिन पहले गलत सेंटर कैसे जाएगा? अगर एडमिट कार्ड कुछ और लिखा है तो वो कहीं और कैसे पहुंच जाएगा? इसमें मिसमैनेजमेंट छात्रों का है या UGC का है? नहीं, आप लोग पूरा जो है CUET की रोल बैक की मांग कर रहे हैं, हाँ, तो सिर्फ इसमें ये डिस्टेंस वाला जो है सेंटर वाला मामला है या इसके अलावा भी और समस्याएं हैं एग्जाम कंडक्ट कराने को लेकर या पॉलिसी को लेकर? CUET में पहले जो इस बार CUET होता था उसमें इन्होंने अब सारी यूनिवर्सिटी जो है उनको एक साथ कर दिया है, तो इसमें तो अच्छा हुआ ना कि एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। एक बात बताइए, सरकार ऐसा बोल रही है कि सारी यूनिवर्सिटी का एक साथ एक एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप CUET की वेबसाइट पर जाके देखिए, सबका क्राइटेरिया अलग अलग दे रखा है उन्होंने हर कोर्स के लिए, तो उसका फ़ायदा क्या है? वो तो पहले भी हुआ करता था। और दूसरा जो समस्या है, जो कोचिंग सेंटर्स का उदय हुआ है इसके बाद से, जो कोचिंग सेंटर इतना, मतलब पहले से ही कोचिंग सेंटर्स का धंधा नीट में चल रहा था, ठीक है, JEE में चल रहा था, अब वो CUET में भी चल रहा है, तो इसमें क्या बताइए स्टूडेंट्स का किस तरह, जो स्टूडेंट कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता, जो गांव देहात में रहता है या गरीब परिवार का बच्चा है, दलित,
प्रतिशत वो कहाँ से आप बताइए सीयूईटी दे कैसे पाएगा और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुँच कैसे पाएगा? तो जिसके पास मेरिट होगी, जिसके पास बीट करने की पावर होगी तो वो करेगा, चाहे गाँव में रहे या कहीं भी रहे। अच्छा, बीट करने की पावर तो जब होगी जब आप एक प्लेटफॉर्म दोगे। अब आप अलग अलग प्लेटफॉर्म, एक संगेड़ी में पढ़ रहा है और एक दून स्कूल में पढ़ रहा है, तो कितना फ़र्क है, कितना फ़र्क है, आप बताइए, आप ही बताइए, आप बताइए ना सर। नहीं, सवाल तो हमारा भी काम करना है, सवाल तो हम यूजीसी पे उठा रहे हैं, हम भी आपसे पूछ रहे हैं। एक संगेड़ी में पढ़ने वाला बच्चा, संगेड़ी का नाम सुना आपने? तो फिर आपको बर्बाद ही नहीं करनी चाहिए कि प्लेटफॉर्म ही आप नहीं कर पा रहे। तो दूसरा कोई एग्जांपल दे दीजिए। नहीं, ये मार्जिनलाइज एरिया से जो बच्चा आ रहा है कैसे देगा, आप बताइए, आपकी सैलरी कितनी है? आपकी सैलरी सवाल कर रहा हूँ, आप बताइए, मैं तो उदाहरण बता रहा हूँ ना सेट करके। कम होगा तो आप दे दोगे क्या? नहीं, कम वाली बात नहीं, तो आपका बच्चा और दूसरे बच्चे में कितना फर्क पड़ेगा, है ना? तो कोचिंग की फीस आपने देखी कितनी कितनी होती है? आप मुखर्जी नगर जाके देखिए, करोल बाग देखिए, वहाँ जाके देखिए ना कोचिंग, 8,000 में बच्चा रहता ही है, और 8,000 कोचिंग देगा 16,000, 16,000 किसान का बच्चा ले लेगा, 2,000 रुपये मूँग, 2,000 रुपये गेहूँ बिक रहा है, कर पाएगा? पैसा डल नहीं रहा। यह किसान का बच्चा तो वो झंडा उठा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बन भी जाएगा फिर क्या होगा? तो वो किसान जिसकी आप बात कर रहे हैं, हाँ, तो ये उठा रहे हैं, तो फिर पढ़ाई कौन करेगा फिर? तो वही तो हम कह रहे हैं, पढ़ लिख के क्या जरूरत है? हम भी किसान का बच्चा, हम भी किसान के बच्चे हैं भाई। मोदी जी इतनी अच्छी तरक्की करवा रहे, दुनिया भर में डंका बज रहा है, एग्जाम भी ले लें, मोदी भर में डंका बज रहा है, उनका साथ दीजिए, तो मोदी जी फ्री एजुकेशन कर दें, मोदी जी फ्री एजुकेशन कर दें। और जो आप सीयूईटी का बोले, पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता था उसमें 200 रुपए लगता था, अब 800 रुपए फीस है। जेएनयू का जो फीस लगता था वो हाइक हुआ है। आपने बोला कि सारे यूनिवर्सिटी को आप एक साथ ले आए हैं, लेकिन आप कंडक्ट कहाँ से करा पा रहे हैं एग्जाम सही से? आप देखिए, दिल्ली में आपका आईसीटी लैब है जहाँ पे कंप्यूटर में एग्जाम होता है, गाँव में, मैं बुंदेलखंड से हूँ, वहाँ पे आईसीटी लैब नहीं है, वहाँ का बच्चा कैसे एग्जाम देगा? जो वहाँ का रीजनल यूनिवर्सिटी था वो अपना एग्जाम कंडक्ट कराता था, उसका 100-150 रुपए जो एंट्रेंस फीस रहता था वो रहता था, अब आपका 1,000 रुपए 800 रुपए फीस हो गया है, उसको माइग्रेट करके यहाँ एग्जाम देने आएगा और एक दिन पहले एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा, तो इसमें प्रॉब्लम हमारी है, मिसमैनेजमेंट हमारा या यूजीसी का है? आपने एक साथ कलेक्टिव सबको ला दिया है, आपका डिसीजन अच्छा है, लेकिन आपने मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं? आप अपने सीटें बढ़ाई क्या? नहीं बढ़ाई। अब क्या कर रहे हैं? फीस बढ़ा दे रहे हैं सारे एग्जामों का। अगर आपने देखा होगा, पत्रकारिता करते होंगे आप, एक बार एनटीए ने जब से बोला है कि सीयूईटी आपका एमए कंडक्ट करेगा, जब से आप फी में हाइक देखिए, कम से कम 50-60% फी हाइक हुआ है, जहां 200 लगता था ड्यूईटी का 800 लगता है, और एग्जाम सेंटर इनका है नहीं। अब जो बच्चा कहीं बिहार से, कहीं यूपी में, कहीं पीछे जगह से आता है, वो अपने यहाँ आईसीटी लैब में एग्जाम कैसे देगा? आप कंडक्ट कैसे करा रहे हैं एग्जाम? तो देखिए, ये समस्या है, सरकार जो है फैसले या निर्णय थोप देती है, उसके बारे में विचार नहीं करती, सोच समझती नहीं है। इससे पहले भी ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये देश की एजुकेशन व्यवस्था को बर्बाद करने का एक हथियार है जो लोगों को समझना पड़ेगा। एक बात और, जो आप बोले कि सरकार जान को पता नहीं रहता है, कि नहीं, सरकार जानबूझ के करती है, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है कि मिसमैनेजमेंट हो रहा है, इतना बड़ा ऑफिस है, इतना सारा लोग काम करता है, क्या मान इसका, जो पिछले जगह से लोग आ रहा है, आप देखिए दिल्ली में जो लोग हैं, सोशल एलीट जो लोग हैं, वो लोग तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ ही जाएगा, जो लोग हम जैसा दूर से आता है वो लोगों के लिए प्रॉब्लम है, क्रिएट प्रॉब्लम दूसरे लोगों के लिए हो रही है, ताकि जो गरीब है, मजदूर है, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, वो क्या है कि अब आप सारा यहाँ कंसोलिडेट कर देंगे सेंटर में, वो वहाँ से निकल नहीं पाएगा, वो कहाँ से यहाँ आके एग्जाम देगा? आपका पूरा नीति है ये, एनईपी देख लो, एनईपी में आपने जो ऑटोनॉमी दे के आप फी हाई कराओगे, पैसा कौन भरेगा? अगर कॉलेज को गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देगा, बोलेगा कि हम आपको लीज दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, तो लोन कहाँ से रिकवर होगा? टीचर का सैलरी से होगा? नहीं होगा। स्टूडेंट कैसे होगा ना? जब जेएनयू में फी आई हुआ था तो मुद्दा यही था कि आप क्यों 5,000-10,000 फीस कर रहे हैं, ड्यू का फीस देखिए, आप फीस बढ़ाते जा रहे हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, पब्लिक एजुकेशन का आइडिया क्या है? फ्री एजुकेशन होना चाहिए, कोई भी है जिसका मन है वो पढ़े। अब क्या कर दिया? नहीं नहीं, मन नहीं, हम एग्जाम भी क्रैक करेंगे, उसके बाद पैसा भी होना चाहिए हमारे पास, तब हम दे पाएंगे। तो इससे कौन मार्केट में आएगा? क्या प्राइवेट मार्केट नहीं बढ़ेगा? अभी आप बीटेक का देखिए, बीटेक में कितना प्राइवेट कॉलेज है, यही आपका है जो ह्यूमैनिटीज़ के कोर्स में बढ़ाना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वालों को फंडिंग खत्म कर देंगे आप धीरे धीरे, ताकि बच्चा पढ़ ना पाए। आप फ्री की बात कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर में मत फंसिए,
ये देश के युवाओं के लिए बहुत खतरनाक है और भारत के फ्यूचर के लिए। जी कुछ भी बोले ऐसा नहीं है कि वो पत्थर का लकीर हो गया है। हम एक एजुकेशन का बात करते हैं तो फ्री एजुकेशन का मतलब होता है आपका, हम लोग पढ़ के कहाँ जाएंगे, कहीं भाग थोड़ी ना जाएंगे, गुफा में नहीं छुपेंगे ना, इसी समाज में कंट्रीब्यूट करेंगे, इसी समाज में सहयोग देंगे। हम तो उसी के लिए इल्जाम लगता है कि आप जो है 33-36 साल तक जो है JNU में पढ़े रहते हैं। अरे आप 12 जो पास करेगा वो 20 का होगा, उसके बाद 3 साल का BA, 2 साल का MA, हो गया आपका एजुकेशन। मोदी जी कितने पे किए हैं, कितने पे किए हैं, 40 पे किए हैं, कितने पे किए हैं, वो दूसरों को बोल रहे हैं और वो भी फर्जी डिग्री है। तो बच्चा कितने तक भी पढ़े वो जाएगा तो समाज में ही कंट्रीब्यूट आपके समाज में ही करेगा एज अध्यापक। अब आप टीचर का जॉब नहीं दे रहे हैं, अब जॉब दीजिए, हम लोग तो रेडी हैं पढ़ाने के लिए। अब जॉब आप नहीं दे रहे हो, बोला फ्री एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन भी आप कहाँ दे रहे हैं, क्या आइडिया आपका फ्री एजुकेशन का? और फ्री एजुकेशन में कौन आके पढ़ता है? वही मजदूर तबके का जो बच्चा है जिसके पास पैसा नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में कौन पढ़ता है? वही लोग पढ़ते हैं जिनके पास पैसा नहीं है। अब उसका फी हाइक हो जाएगा तो कौन लोग पढ़ेगा? अब JNU में बोलते हैं, JNU में अभी जैसे मैं जिस एग्ज़ाम दे रहा हूँ JNU में, उसमें 20 सीट है, 2 लाख फॉर्म में 20 का सिलेक्शन होगा। अब आप उसमें भी बोल रहे हैं कि नहीं आप फ्री लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम क्रैक करके आए हैं, आप अभी आपने अवार्ड दिया सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी का, आप फ्री नहीं पढ़ा पा रहे हैं 20 लोगों को, तो आपका क्या आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन क्या है? लेकिन यही आप देखिए दूसरा खर्चा जो मोदी जी अभी गए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो बना, अभी वो वहाँ गए, वहाँ पर इतना भव्य सजाया गया था, उसका खर्चा जो है वही खर्चा हम बोलते हैं जब नारा लगाते हैं कि शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो। संघियों का ये कहना है, BJP का ये कहना है, जो 10वां हिस्सा है वो हमारे एडवर्टाइजमेंट में होगा, जो न्यूज चैनल को फंडिंग होगी, हम इसके खिलाफ है। ये हमें अपना वापस चाहिए, क्योंकि कहां से आ रहा है पैसा? तो टैक्स वाला हमारा ही है, हम ही तो टैक्स दे रहे हैं, पेट्रोल इतना ज्यादा ले रहे हैं, ये सब गैस इतना महंगा खरीद रहे हैं, तो हम एजुकेशन मांग रहे हैं अपना जो कि टैक्स से फंड होता है। तो देश मजबूत हो रहा है ना भाई? कहां मजबूत हो रहा है, कहां मजबूत है, दुनिया भर में डंका बज रहा है। कैसा डंका? कहां, मोदी जी के घर में बसता है क्या डंका? आप रैंकिंग से ही डंका बजेगा ना, ऐसे थोड़ी ना बोल देंगे। रैंकिंग देखोगे ना आप, कहां का क्या रैंकिंग? ग्लोबल हंगर में हम नीचे जा रहे हैं, एजुकेशन में नीचे जा रहे हैं, विमेन सेफ्टी में हम नीचे जा रहे हैं, कहां से हम ऊपर जा रहे हैं? ये तो वही है जुमलाबाजी, जो अभी उन्होंने जुमलाबाज शब्द बैन कर दिया है वो, लेकिन जुमले मारते हैं, क्या है ये बताइए? और आप लोग गालियां दीजिएगा संसद में, मतलब आपसे मुराद लोग जो ओपोजिशन के नेता है, वो गालियां दीजिएगा, जुमला जी भी बोलिएगा, चाय वाला बोलिएगा, तो क्या कीजिए? हम तो सरकार से बोल रहे हैं कि जो आपका काम है, जो आप बोल के आए थे कि गरीब मजदूर का बच्चा, चाय वाले का बच्चा अगर PM बन सकता है तो चाय वाले का बच्चा JNU में क्यों नहीं पढ़ सकता? DU में क्यों फीस बढ़ाई जा रही है? जो मैं पिछले कोर्स में था उसमें 5,000 रुपये लगता था पहले, अब 15 कर दिया है, कौन देगा है 15,000 रुपये? DU आपको पता होगा कितना बड़ा यूनिवर्सिटी है, ठीक है, उसमें ये लोग हॉस्टल नहीं है इनके पास, क्यों नहीं है हॉस्टल? ताकि जो वहाँ पे जो लोकल लैंडलॉर्ड है उनका बिजनेस बंद ना हो जाए। अगर ये हॉस्टल दे देगा तो क्या बच्चा आके पढ़ेगा? नहीं तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भले ही 5,000-10,000 फीस लगता है, लेकिन एक महीने का 10,000 खर्चा है, ये आपको पता होगा, तो वो 10,000 रुपये कहाँ से कौन लाएगा? 10,000 हमारे में, अभी आपने अगर डेटा देखा होगा नीति आयोग का, 25,000 जो एक महीने में कमाता है वो 10% में आता है, 10% मतलब 14 करोड़ में, 140 में, तो बाकी का जो 126 करोड़ है वो 25,000 नहीं कमा रहा है। 10,000 रुपये वो कैसे अपने बच्चे को देगा जो वो पढ़ पाए, दे पाएगा? तो हम एक्सक्लूड किया जा रहा है पॉलिसी में, हम आपको बोल रहे हैं जो एक्सक्लूड करती है पॉलिसी, ऐसे एक्सक्लूड कर रही है, ऐसे नहीं है हम बस बोल रहे हैं क्योंकि हम सरकार विरोधी है, हम तो आपको जवाब दे रहे हैं। NTA ने जो दिया है आप देखिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम क्या क्या भैया, आप भी सहमत नहीं है मोदी जी के अमृतकाल से? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, कहाँ अमृतकाल है। एक बात आपने कही कि सरकार को जो इसने कहा है कि पता होता है, जानबूझ के करती है सरकार, और आपने कहा कि किसान मजदूर का बच्चा झंडा उठाता है हिंदुत्व का, क्यों उठाता है? वो जानबूझ के इस बच्चे को सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचने नहीं देते, इसीलिए वो झंडा पकड़ता है वहाँ, हम तो नहीं उठाए, ठीक है, इसीलिए वो झंडा उठाता है ना अपने गांव में, सफर क्या वो नहीं करता है। चलिए तो आप देख सकते हैं, मैं काफी दिनों बाद देख रहा हूँ कि कोई UGC के बाहर इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शन और हुआ है कुछ दिन पहले, अल्लाह बोल अल्लाह बोल। इस वक्त हम मौजूद थे UGC के बाहर, जहाँ पर आप देख सकते हैं CUET के खिलाफ यहाँ पर छात्रों का प्रदर्शन था, जिसमें कहना है कि मिसमैनेजमेंट के चलते कई छात्र ऐसे हैं जो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। हम इस वक्त दिखा रहे थे UGC से आपको, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ, जनहित आवाज़, दिल्ली।